बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ पाकिस्तान म्यूज़ियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री का एक विज़िट जो मैंने रिसेंटली किया है। तो चलिए जी, हम लोग म्यूज़ियम के अंदर दाखिल होते हैं। जो म्यूज़ियम के अंदर दाखिल हुए तो राइट हैंड पर एक बहुत बड़ा सा जिराफ है और लेफ्ट हैंड पर ब्लोची थीरम का एक फॉसिल है जो कि 3 करोड़ साल पहले पाया जाना दुनिया का सबसे बड़ा मैमल था। और ये बाहर ही एक ब्लू व्हेल का फॉसिल है जो कि बलूचिस्तान से 1983 में दरियाफ्त किया गया। ये देखिए, जिसका बहुत बड़ी सी बीक है, रिब्स हैं, इसकी बोन्स हैं, रीढ़ की हड्डी है और ये साथ इसके नीचे इसकी सारी डिटेल्स जो हैं वो मेंशन की गई हैं। और ये हम अंदर दाखिल हो चुके हैं और ये डिफरेंट तरह की गैलरीज बनाई गई हैं और हर गैलरी में हर तरह के डिफरेंट जो हैं एनिमल्स हैं, प्लांट्स हैं, बर्ड्स हैं। और जो यहाँ मिनटर होंगे तो ये देखें जी, कछुआ है और ये गार दिखाया गया है पुराने ज़माने का। और साथ ही इस तरह इधर बहुत सी बर्ड्स हैं, पाकिस्तान का जो पाकिस्तान के कौमी जो निशान है, कौमी बर्ड्स और एनिमल्स हैं, दरख्त हैं, वो हर चीज़ यहाँ पे दिखाई गई है। मैं आपको वन बाय वन जो है वो सारी जो है विज़िट करवाती हूँ, ठीक है। तो बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का ये म्यूज़ियम है, आप अपने बच्चों को इसको ज़रूर विज़िट करवाएँ। और चलो जी, हम फर्स्ट फ्लोर पर एंटर हो चुके हैं और ये देखें बहुत से स्कल्स हैं जो सबसे पहले ये देखें मंकी ऊपर बने हुए हैं और साथ ही नीचे इनके स्कल्स हैं, इनकी खोपड़ियां हैं और ब्रेन है और इंसानी खोपड़ी भी है यहाँ पे, यानी कि होमो सेपियंस है। और ये देखें जी, बहुत बड़ा सा जो है एक ढांचा है एलिफेंट का जो कि 1983 में दरिया बहावलपुर का जो चिड़ियाघर है उस 1983 में यह एज अ गिफ्ट दिया। और ये जो जिराफ का ढांचा है 1983 में ही लाहौर जू ने इसको अतिया किया है। और अब आप यहाँ पे देखें जी, पाकिस्तान के गैर जो फुकारी रकाजात हैं वो हैं, कोरल्स हैं, खुम्बियाँ हैं और यहाँ पे जो है डिफरेंट तरह के लकड़ी के भी फॉसिल्स हैं जिनके ऊपर जो है इवन पत्तों के निशान भी जो हैं वो अभी तक मौजूद हैं। तो ये जी एक बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का जू है। और ये एक और नेक्स्ट गैलरी है जिसमें डिफरेंट तरह के जो है बटरफ्लाइज दिखाई गई हैं और साथ ही पौधे हैं और बताया गया कि किस तरीके से जो है ये जो बटरफ्लाइज हैं पौधों के ऊपर बैठती हैं, डिफरेंट तरह की बीज हैं जो बैठती हैं पौधों के ऊपर और वो जो है शहद बनाती हैं। और ये हम जैसे जैसे आगे जाते जाएंगे, ये चट्टाने हैं, अच्छी चट्टाने हैं, तहदार चट्टाने हैं, ऊपर जो है इनका जो है वो दिखाया गया है स्ट्रक्चर और नीचे उसकी डिटेल बताई हुई है। तो एक एक चीज़ की डिटेल अगर मैं बताने लगी तो बहुत ही लेंथी वीडियो हो जाएगी। आप जो है ख़ुद इसको विज़िट करें और देखें, जिस चीज़ को भी आपका जिस चीज़ में इंटरेस्ट है उस चीज़ के मुताबिक ज़रूर जाके यहाँ से मालूमात लें। तो ये जी एक और गैलरी है जिसके अंदर बायो ऑयल्स हैं, नेचुरल रेमेडीज़ हैं और ये देखें जी डिफरेंट तरह के इंसेक्ट्स हैं और इनकी डिटेल जो है नीचे जो है ये देखें मेंशन है। और ये भी बहुत ही एक ज़बरदस्त सी गैलरी थी, बच्चों ने इस गैलरी को खासतौर पर बहुत पसंद किया क्योंकि इसमें बहुत छोटे छोटे इंसेक्ट्स और थे, बटरफ्लाइज थी, कलरफुल बटरफ्लाइज जी। ये देखिए, ये स्नेक्स हैं और ये डिफरेंट तरह के बर्ड्स हैं जो दरख्तों के ऊपर बैठे हुए हैं। एक नेचर दिखाई गई है किस तरह से, बिल्कुल ये ऐसे लग रहा है जैसे ये एक कुदरती, ये देखें ऊपर बंदर ऐसे बैठा हुआ है, परिंदे जो हैं कोई लटक रहे हैं, कोई बैठे हुए हैं। अगर आप इसको देखें तो आप गेस नहीं कर पाएंगे कि ये रियल है या फेक है। तो बहुत ज़बरदस्त ये बनाया हुआ है और अब हम एक नेक्स्ट गैलरी में एंटर हो रहे हैं। ये जी आप देखिए, ये एक आध विज़िट से आप इसकी पूरी मालूमात नहीं दे सकेंगे, मेरा भी ये इसमें दूसरा विज़िट है। आप लोग बच्चों को एक से ज़्यादा दफ़ा यहाँ पे लेके जाएं और कुछ चीज़ों की डिटेल्स एक दफ़ा दें
कुछ चीज़ों की दूसरी दफ़ा दें ताकि जो है बच्चों को जो है इंटरेस्ट डेवलप हो। अच्छा चलें जी, अभी हम आगे बढ़ रहे हैं और एक और गैलरी है यहाँ पे। अब हम ये जो है इंटर हो चुके हैं सिलसिला को नमक में, सॉल्ट रेंज है ये, बहुत ही ज़बरदस्त सी भी बनाई गई है ये। इसमें एक मोनूमेंट बनाया गया है जो कि डिस्ट्रिक्ट झेलम में खेड़ा की कान जो है खोदी गई है और इसमें जो है मुख्तलिफ तरह की चट्टानें दिखाई गई हैं। और ये अब हम आगे आ चुके हैं, अब यहाँ पे मुख्तलिफ तरह के पत्थर हैं, ब्लोर है, अब्रक है, मैकनासाइट है, कोहिनूर का रेप्लिका है यहाँ पे, इवन हर तरह के पत्थर यहाँ पे मौजूद हैं। मैं आपको बताती चलूँ पाकिस्तान का कौमी पत्थर जो है ज़ुमरद, वो भी यहाँ पे मौजूद है और बहुत ही खूबसूरत से पत्थर डिफरेंट तरह के यहाँ पे मौजूद हैं, जिनमें से बहुत के नाम जो है, बहुत से पत्थर ऐसे हैं जिनके नाम मैं भी नहीं जानती। अच्छा अब यहाँ पे जी अच्छी चट्टानों का सिलसिला शुरू हो चुका है और ये जी मैं आपको दिखाती हूँ, ये हैं जी अच्छी चट्टानें, मुतगैर चट्टानें हैं और हर तरह की चट्टानें हैं। उन सबकी डिटेल्स जो हैं नीचे मेंशन की गई है, ऊपर जो है इनके फॉसिल्स दिखाए गए हैं। और ये जो हैं तैदार चट्टानें हैं और यहाँ पे भी ब्लू वेल का फॉसिल जो है वो लगाया गया है बहुत बड़ा सा, और ये एटमॉस्फेयर ऑफ अर्थ दिखाया गया है। और अब हम ये एक और गैलरी में जा रहे हैं, ऊपर का ये फ्लोर है, ये बच्चों के लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग गैलरी थी। और ये देखें जी, ये हर तरह के दरख्त के पौधों के बीज हैं, सीड्स हैं, ये बहुत ही खूबसूरत गैलरी है। ये जंगलात दिखाए गए हैं पाकिस्तान के और बिल्कुल नेचर के बहुत करीब ये दिखाया गया है। ये देखें फॉरेस्ट ऑफ पाकिस्तान, और नीचे हर तरह के दरख्त का नाम नीचे मेंशन है, ये देखें इसकी डिटेल है पिक्चर में, और ऊपर जो है फॉसिल्स हैं आप देख सकते हैं और पढ़ के आप देख सकते हैं कि ये कौन सा दरख्त है और कौन से पौधे हैं। पाकिस्तान का जो कौमी दरख्त है वो देवदार है और ये डिफरेंट तरह के फ्लावर्स हैं, कौमी फूल जो है वो चमेली है। ये यहाँ पे जो है नेचर वर्सेस इन ग्रेडल है दिखाया गया है और एक चरवाहा दिखाया गया है जो कि बकरियों को चरा रहा है, ये बहुत बड़ा ग्लोब है और ये वोल्केनो है। और ये डिफरेंट तरह के हॉर्न्स हैं, बैल के हॉर्न्स हैं, बैल के सींग हैं, बारह सिंगा के सींग हैं, हिरन के सींग हैं। और ये नीचे वो एनिमल बना हुआ है और ऊपर उसके हॉर्न्स दिखाए गए हैं दोनों तरफ। और इसके बाद जो है नेक्स्ट जो गैलरी है वो बच्चों के लिए बड़ी ही इंटरेस्टिंग है, ये देखें जी, ये डायनासोर हैं। अभी फ़िलहाल यहाँ पे काम हो रहा था तो इनकी आवाज़ें जो हैं नहीं आ रही, अदरवाइज जब मैंने लास्ट टाइम यहाँ पे विज़िट किया तो इनकी आवाज़ें थी, इनके मुंह भी हिल रहे थे। ये एक छोटा सा डायनासोर देखें हिल रहा है, अदरवाइज़ कोई और डायनासोर नहीं हिल रहा और उसकी आवाज़ नहीं है। तो बच्चों के लिए बड़ी इंटरेस्टिंग गैलरी बनाई गई है, डिफरेंट तरह के यहाँ पर छोटे बड़े डायनासोर्स हैं और साथ ही एक एलिफेंट का फॉसिल है, उसके साथ डायनासोर का फॉसिल है। और ये मैं आपको दिखाती हूँ करीब से भी, ये देखें जी एलिफेंट है और ये डायनासोर का है। और इससे आगे आप चले जाएं तो ये जी और डिफरेंट तरह के एनिमल्स हैं, चीता है, पाकिस्तान का कौमी जानवर मारखोर भी है, और ब्राउन बियर है, वुल्फ है, स्नो लेपर्ड है, जैकल यानी कि गीदड़ भी है यहाँ पे। तो अब ये एक और गैलरी है जहाँ पे डिफरेंट तरह के बर्ड्स दिखाए गए हैं। पाकिस्तान का जो कौमी परिंदा है वो चकोर है और ये सब बर्ड्स के जो हैं अंडे हैं, एग्स हैं। सबसे ऊपर जो था बड़ा वाला शुतुरमुर्ग का एग था, ये देखें बड़ा सा शुतुरमुर्ग है यहाँ पे, और बहुत ही हर तरह के परिंदे यहाँ पे दिखाए गए। चकोर है यहाँ पे, बाज है, कोयल है, ओल है, डक है। और ये जी इसका विजिट ख़त्म हो चुका है, अब हम निकल रहे हैं घर की तरफ।